IVM हंस वाणी, हंस कथा मासिक, अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है विनोद शाही की कहानी बाघा बॉर्डर, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्ने कलम के कलाकार ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। राम नारायण ने आज फिर वही सपना देखा। रात आप अपने सपने में कहां होते हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी उलझन बढ़ती जाती है। वे इधर अक्सर रात को अपने सपनों में पाकिस्तान में होते हैं और दिन में हिंदुस्तान में लौट आते हैं। सुबह उठने के बाद जैसे ही उनकी पत्नी बेट्टी लेकर उनके पास आती है, वे खुद को उसे आज के सपने के बाबत बताने से रोक नहीं पाते। आज फिर वहीं पहुंच गए क्या, अपने लाहौर? उनकी पत्नी को पता नहीं कैसे उनका चेहरा देखते ही पता चल गया है कि वे क्या कहने वाले हैं। वो हंस रही है, उन्हें लग रहा है कि वो शायद उनका मजाक बना रही है। वे तय करते हैं कि आज से कभी अपनी पत्नी को अपने ऐसे किन्हीं सपनों के बारे में नहीं बताएंगे। वे चाय पीने में मशगूल हो गए हैं। पत्नी शायद नहीं चाहती कि वे बार बार देखे अपने उसी सपने को फिर से उतने ही चाव से उन्हें सुनाए, इसलिए वो बातचीत का रुख बदल देती हैं। आजकल मेरी जुगनी भी जब देखो लाहौर जा घुसती है। सबको पता नहीं क्यों उधर की बहुत याद आने लग पड़ी है। कौन जुगनी? वे अनमने से पूछते हैं। जुगनी। उनकी पत्नी को पंजाबी लोकगीत बहुत पसंद है। जब तब मौका मिलते ही गुनगुनाने लगती हैं। वो जैसे राम नारायण से थोड़ी प्रेमपूर्ण छेड़छाड़ के मूड में हैं। उसे परवाह नहीं है कि राम नारायण नाराज होकर चुप लगा गए हैं। वो गुनगुनाने लगी, जुगनी जा बड़ी लाहौर, जिते सोनी पावे ठौर, उत्ते ओही है सिरमौर, ओदी वन सवन्नी टौर, विर मिरे जुगनी कहंदी है, ओ नाम साईं दा लेंदी है, ओ नाम अली दा लेंदी है, ओ नाम साईं दा, ओ जुगनी। ये गीत गुनगुनाती हुई ही वो चाय के कप समेटकर फिर से किचन की ओर जाने को होती है कि राम नारायण पीछे से चिड़े हुए स्वर में कहते हैं, अपनी जुगनी को पहले पाकिस्तान का वीजा तो लगवा ले, फिर भेज देना जहां चाहे। अरे उससे किसी वीजा की जरूरत नहीं है, मन मौजी है वो, उसके मन का राज चलता है हर जगह। आप अपने सपनों की फिक्र करो, कहीं सरकार को पता चल गया तो ऐसे सपने देखने के जुर्म में आप पर वो क्या कहते हैं, टाटा वाडा ना लगा दे कहीं। पत्नी चली गई हैं। उन्हें पता है कि वो बात मजाक में कही गई है, पर वे गंभीर हो गए हैं। मन में एक विचार कौनता है, क्या सरकारें इसीलिए सपने देखने वालों से डरती हैं? तैयार होकर वे घर से निकले तो दिन के पहले हिस्से में वे अपने आजाद किताब घर के कामों में व्यस्त रहे। फिर दोपहर के खाने के वक्त जैसे ही उन्होंने घर से लाया हुआ अपना टिफिन खोला तो उन्हें वहां मौजूद खिचड़ी को देखकर कुछ याद हो आया। वे रात अपने सपने में लाहौर में थे। उनकी देह अमृतसर में है पर मन से वे अब भी लाहौर में हैं। वे सरकारी अस्पताल में दाखिल अपने बीमार पिता के लिए खिचड़ी लिए चले जा रहे हैं। उन्होंने दुकान के पिछले हिस्से में पड़े माइक्रोवेव को ऑन किया, खिचड़ी को उसमें गर्म होने के लिए रख दिया और फिर अपनी डायरी खोलकर बैठ गए। अब वे उसमें रात के सपने के ब्यौरे दर्ज कर रहे हैं। सपनों का हिसाब रखने के पीछे उनकी एक खास तरह की सोच है। उनका मानना है कि जो सपने हमें दिखाई देते हैं वे जागने के बाद भी हमारे भीतर हमारे जाने बिना चलते रहते हैं। वे हमें दिन भर वहां पीछे बैठे देखते रहते हैं और फिर हमारे सोते ही शक्ल बदलकर हमें अपने में घसीट लेते हैं। वे कभी नहीं मरते। हम असल में उन्हीं की दुनिया के बाशिंदे होते हैं।
बस वे दिन भर के लिए हमें एक अलग जिंदगी जीने की मोहलत भर देते हैं। तो क्या मैं दो तरह की जिंदगियां जी रहा हूं? वे खुद से पूछते हैं। पर मैं सोने और जागने के बीच के इस फासले को मिटा देना चाहता हूं। उन्हें लगता है कि यह इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इन दिनों भारत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी अपने चरम पर है। हालांकि ऐसा करने से इस दुश्मनी के कम होने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी वे जैसे कोई प्रयोग सा कर रहे हैं। इसलिए इन दिनों ना तो वे अखबार पढ़ते हैं और ना ही टीवी पर खबरें देखते हैं। उन्हें लगता है कि टीवी पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सपनों की उनकी दुनिया से कुछ खास अलग नहीं है। उन्हें यह भी लगता है कि एक इतिहास है जो उनके सपनों में दर्ज है और टीवी चैनल्स झूठे सपने गढ़ रहे हैं। ऐसे में वो ये समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं कि उनके सपने कितने झूठे हैं और कितने सच। पता नहीं ये उनका पागलपन था या सनक, पर वे एक जिद्दी आदमी की तरह उसे निभाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो आज का जो सपना था, पहले उसी की बात कर ली जाए। ये सपना उनके द्वारा देखे गए इस तरह के कई सपनों की अगली कड़ी की तरह था। आज उन्होंने अपनी डायरी में जो सपना दर्ज किया, पहले उसको ही देख लेते हैं। वे रात अपने सपने में लाहौर की तंग गलियों में घूम रहे थे। फिर वे वहां से होते हुए लाहौर के सरकारी अस्पताल के पिछवाड़े में मौजूद एक छोटे से गेटनुमा चोर दरवाजे से भीतर दाखिल हो गए थे। अस्पताल का वो पिछवाड़ा उन्होंने पहले भी अपने कई सपनों में देखा था, पर पिछले सपनों के मुकाबले में अब की दफा कुछ नई बातें जुड़ गई थी। वे लाहौर की बाबत जितने सपने देखते, उन्हें तारीख डालकर सिलसिलेवार रूप से अपनी डायरी में दर्ज करते चले जाते। दरअसल उन्हें यह वहम हो गया था कि वे अपने पिछले जन्म में लाहौर में पैदा हुए थे, इसीलिए ऐसे तमाम सपनों को वे अपने पिछले जन्म की कहानी की विविध अध्यायों की तरह देखने लग गए थे। उनके किताब घर में बौद्धों के सर्वास्तिवाद पर एक किताब पड़ी थी। एक दफा उसे उलटते पलटते हुए उन्होंने उसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के वृतांत पढ़े। वहां लिखा हुआ था कि बहुत से लोगों को अपने पिछले जन्म की कहानियां अक्सर याद हो आती हैं। इस प्रक्रिया को उस किताब में जाति स्मरण कहा गया था। बस इतना काफी था। उन्हें जैसे अपने काम की चीज मिल गई थी। फिर उन्होंने कुछ और नहीं पढ़ा और ना ही उस किताब की किसी साधना मूलक या दार्शनिक गहराई में जाने की जरूरत उन्हें महसूस हुई थी। उन्होंने जितना पढ़ा था उसे आधार बनाकर अपनी एक डायरी इस काम के लिए अलग से लगा ली थी। उसके पहले पन्ने पर लिख दिया था, मेरा जाति स्मरण। इसके बाद उसके अगले पन्ने पर उन्होंने इस संबंध में अपना फलसफा भी लिख छोड़ा था। उन्होंने बड़े करीने से सजाकर मोटे मोटे शब्दों में लिखा था, इतिहास मेरे लिए अजनबी चीज है, पर अब वो मेरा जाति स्मरण हो गया है, यानी मेरी अपनी जिंदगी की कहानी। इस कहानी को पढ़ने के लिए मैं अपनी तीसरी आंख से काम लेता हूं। तीसरी आंख यानी वो आंख जो सपने देखती है, जैसे बाघ की आंख होती है जो अंधेरे में भी चमकती है। पर मैं नहीं जानता कि मेरी वो आंख किस तरह की है जो नींद की अंधेरी दुनिया में भी देख लेती है। आज के सपने की बाबत उन्होंने अपनी डायरी में जो दर्ज किया वो इस प्रकार है, मैं लाहौर के तंग गलियों से होते हुए वहां के सरकारी अस्पताल के पिछवाड़े से होकर पेड़ों के एक झुरमुट के नीचे जा खड़ा हुआ हूं। पेड़ों की छाया सघन है, फिर भी कहीं कहीं धूप के मध्यम चकत्ते नजर आ रहे हैं। एक गोल मटोल कंकड़ धूप में हीरे की तरह चमक रहा है। लगता है जमीन के उस टुकड़े की एक आंख खुल गई है। आंख मुझे घूर रही है। मैं अटपटा महसूस करता हूं। आंख मुझसे पूछ रही है कि मैं वहां क्यों हूं। मुझे याद आता है कि मेरे पिता अस्पताल में बीमार पड़े हैं। मैं पिता के लिए घर से बना हुआ खाना लाया हूं, टमाटर का सूप, खिचड़ी और छाछ। पिता को ये चीजें पसंद हैं। अस्पताल वालों को भी इस संबंध में कोई एतराज नहीं है, पर मैं अपने पिता तक पहुंच नहीं पाता हूं। मैं अस्पताल में दाखिल हो गया होता तो अपने पूर्व जन्म के पिता को देख सकता था, लेकिन उससे पहले ही मैंने अपने आप को एक अन्य दृश्य के हिस्से की तरह देखा। अब मैं किसी कमरे में बैठा हूं और दीवार पर कुछ पोस्टर लगे हैं। वे पोस्टर किन्हीं अज्ञात क्रांतिकारियों के हैं। उनके चेहरे धुंधले हैं
कहना मुश्किल है कि वे कौन हैं। उस कमरे की तिपाई पर भगवद गीता पड़ी है, उसे खोलकर मैं पढ़ रहा हूं। आत्मा अजर है, अमर है। अपने इस सपने को लेकर मैं हैरान हूं। इस जन्म में मैं कुछ खास धार्मिक नहीं हूं, तो क्या मैं अपने पिछले जन्म के आदमी से इस जन्म में बगावत कर रहा हूं? वे अब अपनी डायरी के पन्ने उलट रहे हैं। इससे पहले देखे गए सपनों में अपने पूर्व जन्म के बहुत सारे ब्यौरे उन्होंने दर्ज कर रखे हैं। इससे पहले वे अक्सर खुद को जब भी लाहौर की तंग गलियों में घूमता हुआ पाते थे, तो बाद में किसी दो मंजिला मकान की सीढ़ी चढ़ने लगते थे। सीढ़ियां चढ़कर वे सीधे छत की ओर जाते थे। वहां कुछ चारपाइयां बिछी होती थी, उनके ऊपर चारों तरफ बांसों से बंधी हुई मसहरियां टंगी होती थी। वे एक बिस्तर पर जाकर लेट जाते थे और मसहरी के भीतर से आकाश में चमकते हुए चांद का धुंधला अक्स देखने लगते थे। वे पूरा चांद देखते थे। उनके देखते देखते वो चांद अचानक दो हिस्सों में टूट जाता था। एक हिस्सा दूज के चांद की तरह का होता था, वो कहीं दूर क्षितिज की ओर जाता दिखाई देता, फिर वे उसे हवा में लहराते पाकिस्तान के झंडे पर टंगा पाते। ये दृश्य उन्होंने कई बार देखा था। एक दफा वे उस झंडे का पीछा करते हुए दूर तक भागते चले गए, पर वो झंडा खो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झंडा अब उनके पड़ोसी की साथ वाली छत पर लहरा रहा था। वहां कुछ मुसलमान आदमी और औरतें आकाश तक ऊपर जाते हुए पर्दे के पीछे बैठे थे। उसे अपनी तरफ घूरता हुआ पाकर उन औरतों ने उस पर्दे को खींचकर अपने बुरके में बदल लिया था। इन सपनों का साफ साफ मतलब क्या था, इसे वे कभी समझ नहीं पाते। इन सपनों की वजह से ही उनके मन में पाकिस्तान एक पराया देश नहीं रह गया था। वे अपने देश के बाकी लोगों की तरह उसे एक दुश्मन देश कभी मान ही नहीं सकते थे। अपने इन सपनों की वजह से ही अमृतसर में रहते हुए भी वे खुद को लाहौर का वासी समझते थे। उस दिन खिचड़ी खाते वक्त अचानक उन्हें लगा कि लाहौर उन्हें बुला रहा है। पर नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जैसे हालात हैं, मैं खुद को पाकिस्तान समर्थक के रूप में पेश नहीं कर सकता। वे खाना खा चुके हैं, उन्होंने अपने इस ख्याल को दबा दिया है। अब वे अपने आज़ाद किताब घर में पड़ी उर्दू की किताबों को उठा उठा कर उन पर पड़ी हुई धूल झाड़ रहे हैं। वे इन किताबों से इतनी गहराई से जुड़ गए हैं कि वे भूल गए हैं कि अब उनकी दुकान लाहौर में नहीं है। उनकी दुकान 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बंद रहती है। आज उनसे रहा नहीं जा रहा है। उर्दू में अनुदित सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति उनके हाथ में है और वे उसे उठाए उठाए ही अपनी वैन में आकर बैठ गए। वैन दोपहर की गर्मी में अंदर से भट्टी की तरह तप रही है। वैन स्टार्ट करके उन्होंने एसी ऑन कर दिया है। वैन अब बाघा बॉर्डर की ओर रवाना हो गई है और घंटे भर में वे बाघा बॉर्डर पहुंच गए। वहां कोई खास गतिविधि नहीं है, सब सुनसान पड़ा है, सिवाय उस चौकी के जहां 2 ऊंचे लंबे फौजी जवान बाहर खड़े पहरा दे रहे हैं। वे वहां गेट के पास खड़े होकर पाकिस्तान की ओर का दृश्य निहारते हैं। उनके पिता बताते थे कि विभाजन से पहले जब उनकी दुकान लाहौर में थी तो सप्ताह में 2-3 बार उनका अमृतसर आना जाना होता रहता था। उन्हें लगा कि अब लाहौर बहुत दूर हो गया है। वे चाहते तो पासपोर्ट बनाकर लाहौर में पिता की पुरानी दुकान तक जा सकते थे, लेकिन वे नहीं गए। अगर मैं सचमुच वहां चला गया तो मेरे सपनों का तिलिस्म टूट जाएगा। मैं अपने सपनों की रहस्यमय दुनिया में एक जासूस की तरह घूमते रहना चाहता हूं। क्या पता कब कहां अपनी इस दुनिया से अधिक बड़ी हकीकत के ऊपर से पर्दा उठ जाए। वे इस वक्त बॉर्डर पार वाले पाकिस्तान के इलाके की ओर देख रहे हैं। उनकी तीसरी आंख खुल गई है। वे महसूस कर पा रहे हैं कि लाहौर में उनका एक घर है और एक दुकान भी। वे अपने देह की ओर देखते हैं और खुद से कहते हैं, मेरी देह की मिट्टी लाहौर की है और प्राण अमृतसर के हैं। लाहौर की मिट्टी अमृतसर के प्राणों से धड़क रही है। मिट्टी और प्राणों के बीच एक सरहद है। वे वहां बनी फौजी चौकी के इधर उधर दूर तक निगाह दौड़ाते हैं। लोहे की कटीली झाड़ियों के बड़े बड़े गोलाकार गुच्छे किसी अजगर की तरह दूर क्षितिज तक चले गए हैं। वे उधर की मिट्टी और इधर के प्राणों की आवाजाही को रोकने की असफल कोशिश कर रहे हैं।
वे देखते हैं एक तरफ के बाड़ के नीचे की मिट्टी और नीचे दब रही है। आसपास पानी के जोहड़ हैं, जोहड़ में जंगली वनस्पतियां सड़ रही हैं, वहां दुर्गंध फैली है। कीचड़ नुमा पानी पर तैरता हुआ एक सांप उधर से इधर आ गया है। सांप पास की एक झाड़ी में सरक गया है, जैसे कुछ दिन पहले कुछ दहशतगर्द इधर आए थे और फिर बालाकोट में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। क्या वे लाहौर से आए थे? बहुत से लोग उधर से इधर आकर मारे जाते हैं, पाकिस्तान में वे भी शहीद कहलाते हैं। उन्हें कुछ याद आ रहा है। पंजाब के आतंकवाद का दौर है, उनके आजाद मंच के साथी आपस में संवाद कर रहे हैं। संत लोगोवाल आमरण अनशन करके मर गए हैं, संत भिंडरावाले की खालिस्तान बनाने की जिद उन्हें ले डूबी है। उनसे लड़ने वाले बेअंत सिंह और इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। वे पूछते हैं, किसी आतंकवादी के हाथों कोई सियासतदान मरे तो वो शहीद हो जाता है, और एक आम आदमी मरे तो बस एक संख्या मरती है, क्यों भला? बहस छिड़ जाती है। अरे कहने वाले तो पुलिस के हाथों मरने वाले आतंकवादियों को भी शहीद कहते फिर रहे हैं। शहीद होना एक मरे हुए आदमी को हमेशा के लिए खास सोच का गुलाम बना देता है। हम शहीदों को लेकर बेकार की बहस कर रहे हैं। क्या हमने कभी किसी मृतक की आत्मा से पूछा है कि उसे शहीद कहलाना कैसा लगता है? हैं? उनकी बात बेतुकी है और सब उन पर हंस रहे हैं, पर वे जिद्दी तबीयत के आदमी हैं। वे खोजते खोजते उस आदमी तक पहुंच गए हैं जो मृत आत्माओं से बात करता है, पर वो तब की बात है। वे एक झटके में अपने वक्त में लौट आते हैं। अब वो किसी से कोई बात किए बिना अपनी वैन में वापस बैठ रहे हैं। रामनारायण बॉर्डर से लौट रहे हैं, उनके साथ उनके सपने भी लौट रहे हैं। उनके सपने इतने समझदार नहीं हैं कि मौजूदा राजनीति का विकल्प हो जाते, ना ही वे इतने विद्रोही हैं कि कभी दिखाई न देने का फैसला कर लेते। सपने ना समझ हैं, पर उन्होंने रामनारायण को अपने जाल में फंसा लिया है। उन्हें लगता है कि लाहौर को दरकिनार करके वे कभी अपने भीतर मुकम्मल नहीं हो सकते। जब से वे ये सपने देखने लगे हैं, उनके जीवन में ये फर्क आया है कि उन्होंने अपनी दुकान में भारत विभाजन से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण किताबों को इकट्ठा कर लिया है। उनके पास इस विषय से संबंधित इतनी किताबें आ गई हैं कि इस संबंध में शोध करने वाले छात्र उनकी दुकान को एक छोटी मोटी लाइब्रेरी ही मानने लग पड़े हैं। किसी ज़माने में उन्हें किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था, परंतु जब से वे अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के काम में लग गए थे, वे अपनी किताबों को थोड़ा बहुत उलट पुलट कर उन्हें उनकी जगह पर रख देते थे। वे उन्हें रोज़ देख भर लेते थे और फिर अपने काम में लग जाते थे। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कोई भक्त भगवान की पूजा करके ही अपना काम चला लिया करता है और कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करता। रामनारायण को लगता है कि भगवान को धोखा देने के लिए उसकी मूर्तियों की पूजा का चलन आरंभ हुआ होगा। इस बात का हिंदुस्तान के कट्टर होने से क्या रिश्ता है वे नहीं जानते, पर उधर वे अपनी इकट्ठी की हुई उन किताबों को पढ़ने का मन बना रहे हैं। वे अपने यहां आने वाले युवा छात्रों पर भरोसा करना चाहते हैं। इन दिनों वे उन्हें अक्सर ये बताने लगते हैं कि इन किताबों को उन्होंने कितनी मेहनत से इकट्ठा किया है। रामनारायण को अपनी खानदानी दुकान पर गर्व है। वो एक खानदानी दुकान है, इसीलिए शहर में मशहूर भी है। कभी कभार जब कभी पाकिस्तान से कोई आदमी अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने इधर आते हैं और उन्हें किसी पुरानी उर्दू किताब की जरूरत पड़ती है, तो वो इस दुकान की ओर चले आते हैं। एक दफा वारिस शाह की एक पुरानी पांडुलिपि को खोजते खोजते पाकिस्तान से भारत आए इशरत अली ने जब उनकी दुकान का रुख किया, तो उन्होंने कुछ शरारती अंदाज से पूछ लिया, मियां तुम्हारी दुकान आजाद किताब घर है तो क्या कोई गुलाम किताब घर भी है? वे समझ गए कि वो आदमी उनसे मजाक कर रहा था, पर कुछ तो कहना ही था। बात यह है मियां कि मैं हिंदुस्तान में हूं और आप पाकिस्तान में हो, पर मेरी दुकान आज़ाद धरती पर है। ये मेरे सपनों की दुकान है, इसका कोई मुल्क नहीं है। ये बात सुनकर इशरत अली चुप लगा गए, उनसे कुछ कहते ही नहीं बना।
उन्होंने किताब खरीदी और वहां से रुखसत हो गए। पर ऐसा हमेशा नहीं होता था। इस तरह की बातें करके वे अक्सर लोगों से उलझ जाते थे। वे अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ आज़ाद संवाद नाम का एक मंच चलाते थे, जिसकी छोटी मोटी गोष्ठियां उनकी दुकान के बाहर थोड़ी सी जगह में कुर्सियां जोड़कर हुआ करती थी। उनकी ऐसी बातों से उनके मित्र भले ही उनका लिहाज क्यों न करते हों, उनकी पत्नी सविता उनसे कभी सहमत नहीं होती थी। वो थोड़ी धार्मिक विचारों की महिला थी, रोज सुबह उठकर तुलसी को जल देती थी। एक दिन मजाक ही मजाक में रामनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सविता, ये तुम्हारी तुलसी तो मेरी तरह नास्तिक है, इसे कभी राम राम बोलते नहीं देखा। पत्नी कुछ देर के लिए उन्हें घूरती रही, फिर तुलसी को कुछ देर तक खामोशी से निहारने के बाद बोली, जरा ध्यान से देखिए, इसके पत्ते नीचे की तरफ झुके हुए हैं, हर वक्त भगवान के आगे नतमस्तक होती रहती है। पति पत्नी में ऐसी नोकझोंक अक्सर चलती रहती है। वो वहां पर एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। स्कूल का नाम श्री अरविंदो पब्लिक स्कूल है। वो रामनारायण से अमूमन असहमत रहती हैं, पर इन दिनों अपने बच्चों को एजुकेशन टूर के नाम पर बाघा बॉर्डर ले जाने लगी है। रामनारायण खुश होकर कहते हैं, ऐसा करके तुम इतिहास के अधूरे छूट गए कामों को पूरा कर रही हो। वो चिढ़कर कहती है, अपना फलसफा अपने पास रखो, मैं तो वहाँ बच्चों को फौजियों की ड्रिल दिखाने के लिए ले जाती हूँ। बहुत मज़ा आता है जब वे ज़मीन पर ज़ोर से पैर पटकते हैं और ज़मीन हिलने लगती है। लड़कियाँ खुश होकर ताली बजाती हैं। ये फौजी कहते हैं, भारत माता की जय। पाकिस्तान के फौजियों को भी जोश आ जाता है, वे कहते हैं, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नारे एक जंग में बदल जाते हैं। हम जंग को देखकर खुश हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि जंग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर वो उदास हो जाते हैं। रामनारायण को याद आता है कि इससे पहले उनके जीवन के सबसे उदास दिन वे थे जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था। उन दिनों उन्हें लगता कि उनकी मौत उनका पीछा कर रही है। वे सोचते कि हो सकता है कि किसी आतंकवादी की किसी गोली पर उनका भी नाम लिखा होगा। वे खुद को तसल्ली देते, उस दिन मैं अपनी देह से आजाद हो जाऊंगा, हो सकता है तब कुछ लोग मुझे भी शहीद का दर्जा दे दें। पर मैं मर ही गया तो फिर क्या शहीद और क्या कुछ और। क्या किसी शहीद की आत्मा से मिलकर मैं जान सकता हूं कि वो क्या सोचता है? ये सवाल उनके भीतर बार बार उठता। इसका जवाब खोजने के लिए वे आखिरकार जिस आदमी तक पहुंचे, उसका नाम था वैताल बाबा। उस बाबा के साथ उनकी उस मुठभेड़ में क्या हुआ, उसका पता किसी को नहीं चला। वहां से लौटते ही उनके सिर में असह्य दर्द उठा, जो पेन किलर से भी शांत नहीं हुआ। फिर अस्पताल में एक MRI हुई, पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। इसके बाद वे और उनका परिवार जांच पड़ताल के एक लंबे सिलसिले में उलझ गए। इसकी परिणति यह हुई कि उन्हें ऑपरेशन के लिए सर्जिकल थिएटर में ले जाया गया। इस वक्त वे ऑपरेशन टेबल पर मृतवत पड़े हैं। ओटी में क्लोरोफॉर्म और दवाइयों की मिलीजुली गंध तैर रही है। आम आदमी को यहाँ थोड़ी घुटन या हल्की खुमारी का अनुभव हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों को इस गंध की आदत है। इस वातावरण में उनकी चेतना उल्टे सामान्य के मुकाबले अधिक जागृत हो जाती है। कहने को रामनारायण इस वक्त बेहोश हैं। उनकी देह ऑपरेशन टेबल पर किसी मुर्दे की तरह निश्चल पड़ी है, पर उनका दिमाग जाने कैसे अचानक सक्रिय हो उठा है। वे अपनी भ्रुकुटी के मध्य भाग में बैठे खुद अपने साक्षी हो गए हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी देह ऑपरेशन टेबल पर पड़ी है। वे खुद से अलहदा हैं, फिर भी वे दरअसल खुद में ही हैं। उनके सिर के ऊपर की पूरी खोपड़ी को काटकर अलग कर दिया गया है। वो वहां पास के टेबल पर एक बड़े से रुई के बंडल पर पड़े सफेद कपड़े के ऊपर रखी हुई है। उसके अंदर के हिस्से में लाल रंग के रुधिर मांस के टुकड़ों के बीच इधर उधर नीले, सफेद, भूरे और चितकबरे रेशे दिखाई दे रहे हैं। इस दृश्य को देखकर भी वे भयभीत क्यों नहीं है? उनके भीतर पीड़ा की कोई अनुभूति भी नहीं है। वे खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं।
तभी उन्हें वैताल बाबा के अघोरियों की काल वैतरणी गोष्ठी याद हो आती है। अमावस की मध्य रात्रि को पीपल के पेड़ के नीचे एक कुंड में आग जल रही है। वे अपने साथी अघोरियों के साथ उसके आसपास बैठे हैं। वैताल बाबा ने उन्हें एक खोपड़ी में भांग धतूरे से बना हुआ आसव डालकर पीने को दिया है। उसके बीच रात की रानी की कलियों की सफेद पत्तियां तैर रही हैं। एक पात्र से थोड़ा सा गुलकंद निकालकर उसमें इस तरह घोला गया है कि सारा आसव श्याम लोहित रंग जैसा हो गया है। चमड़े की एक पोटली खोली गई है। कुछ रेशेदार जड़ी बूटियां बाहर निकाली गई हैं। उनसे खोपड़ी का वो अंदर का हिस्सा अभी अभी काटे गए सिर के समान हो गया है, रुधिर मांस और स्नायुओं से युक्त। सभी को उसमें से थोड़ा थोड़ा आसव पीने को दिया गया है। उस समय उन्हें बहुत भय का अनुभव हुआ था, पर आज उन्हें लग रहा है जैसे वे अपनी देह के साथ कोई खेल सा खेल रहे हैं, जैसे कि वे स्वयं अपनी ही खोपड़ी से रिसने वाले अमृत को पीने वाले दुनिया के पहले अघोरी हो गए हैं। उन्हें डरा हुआ देखकर उस दिन वैताल बाबा ने कहा था, डरो मत वत्स, भय से मुक्त होना चाहते हो तो अपने मृत्यु का सामना करो। ध्यान से देखो, ये तुम्हारी ही खोपड़ी है। समय की लीला है, कभी अपने सिर पर होती है और कभी अपने हाथों में आ जाती है। जिस दिन तुम अपनी गुहा के रंध्र में उतर जाओगे, जान लोगे कि तुम कौन हो। उस दिन तुम्हें तुम्हारे सब प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। जाओ, वैतरणी के पार जाओ और निर्भय होकर उस पुण्य आत्मा से भेंट करो जिसे तुम शहीद कहते हो। जाओ। वैताल बाबा की ये बातें सुनकर उन्हें अचानक लगा कि उनके साथ कोई धोखा हुआ था। वो उन्हें भांग के नशे में डुबाकर बीच रास्ते में छोड़कर भाग रहा था। संशय होते ही वे तत्काल वहां से उठ खड़े हुए थे और घर लौट आए थे, क्रोध और आवेश से भरे हुए। खैर, उस दिन वे ना संत लोगोवाल से मिल सके, ना संत भिंडरांवाले, बेअंत सिंह या इंदिरा गांधी तक ही पहुंच पाए थे। परंतु उस वजह से उन्हें कुछ गहरी अनुभूतियां अवश्य होने लगी थी। कभी कभार जब वे मौन बैठे होते तो उन्हें लगता कि वे अपनी उन मृत आत्माओं की ओर से कुछ संकेत पाने लग पड़े हैं। वो सब सच था या उनके मन का वहम था, वे तय नहीं कर पाते थे, परंतु आज की बात अलग है। वे उस ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई अपनी देह से निकलकर अपनी खोपड़ी के आसपास मंडरा रहे हैं। वे अचानक देखते हैं कि वहां कोने में पड़े रिक्लाइनर पर वे पसरे हुए हैं। उन्होंने सफेद चोंगा पहना है, उनकी छोटी तीखी दाढ़ी नीचे की तरफ लहरा रही है, पलकें तंद्रिल होकर भारी हो गई हैं, आंखें ऊपर को चढ़ी हुई लग रही हैं। क्या? नहीं, वे तो श्री अरविंदो ही हैं। राम नारायण ने उनका वो प्रवचन बार बार पढ़ा था जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत का विभाजन एक दिन अवश्य रद्द हो जाएगा। अपनी इस बात के कारण वे एक तरह से राम नारायण की अंतरात्मा की आवाज की तरह थे, इसलिए उन्हें देखते ही श्रद्धा से भरकर उनके पास गए। उन्हें लगा वे उनसे कुछ कह रहे हैं। आज विश्व जिस चेतना के दौर से गुजर रहा है, महाचित के अवतरण की संभावना बढ़ गई है। वैश्विक चेतना वाले मनुष्य का जन्म होने को है, लेकिन भारत अभी तक अधूरी स्वतंत्रता के अभिशाप को भुगत रहा है। जाओ, इस स्वतंत्रता को चरितार्थ करने के लिए अपना जीवन लगा दो। जाओ। देखते ही देखते श्री अरविंदो की छवि गायब हो जाती है। अब वे अपनी देह के करीब चले आए हैं। डॉक्टर उनके दिमाग के भीतर के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां उनका वो दुश्मन ट्यूमर पड़ा हुआ है। ये देखो, मिल गया। ट्यूमर है या बाघ की आंख, एकदम उसी की तरह चमकता है। बाघ की आंख तुमने कहाँ देखी? अरे, मुझे डिस्कवरी चैनल देखने का शौक है। बाघ की आंख अंधेरे में चमकती है। अब हम कह सकते हैं कि इस आदमी की तीसरी आंख बाघ की आंख है। अपने मन के अंधेरे में भी पता नहीं क्या क्या देखती रही होगी। इस आंख ने उसके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को एक दूसरे से अलहदा कर रखा है। इसे यहाँ से ना निकालते तो ये आदमी दो हिस्सों में बटकर रह जाता, यू नो, स्किज़ोफ्रेनिया।
ट्यूमर भी कमाल है, एकदम बॉर्डर एरिया पर मिला है। अरे हमारी सरकार टीकी शोर मचाती है, बॉर्डर एरिया सचमुच कितना अनसेफ होता है। रामनारायण को डॉक्टरों की हंसी बेवकूफाना लगती है। उन्होंने बस ये बातें सुनी और फिर गहरी बेहोशी में डूबते चले गए। ऑपरेशन के बाद रामनारायण को ठीक होने में 6 महीने लग गए। फिर भी वो पूरी तरह ठीक हो गए थे ऐसा यकीन से कहना कठिन है। इस दौरान दिमाग को शांत रखने के लिए वे ऐसी दवाएं ले रहे थे जिसकी वजह से वे ज्यादा समय नींद में रहते। आखिरकार उनकी दवाई बंद हुई, लेकिन जैसे ही ये हुआ उनका मस्तिष्क अचानक बहुत अधिक सक्रिय हो गया। नींद लगातार कम होती चली गई। अब वे कभी कभार ही सो पाते थे। उनका मन बहुत तरह की कल्पनाओं में डूबा रहता। वे इस दौरान जो कुछ भी सोचते उन्हें लगता जैसे वो सचमुच उनके आगे उपस्थित हो जाता था। अपनी इस मनोदशा को वे एकदम सहज स्थिति की तरह देख रहे थे। उन्हें अपने इन काल्पनिक दृश्यों से घिरे रहने में एक अजीब से आनंद का अनुभव होता था। वे इन दिनों दूसरे लोगों से बहुत कम बातें करते। पिता की बीमारी के इलाज में घर की लगभग सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। रामनारायण का बेटा इन दिनों MA फाइनल कर रहा था। जैसे ही उसके इम्तिहान खत्म हुए उसने पिता की वैन को टैक्सी की तरह चलाना आरंभ कर दिया। मां की तनख्वाह से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। पिता की दुकान पर बैठे रहने में उसका मन ज्यादा नहीं लगता था। वो दुनिया को देखना चाहता था। दुकान पर वैसे भी पिता की गैर मौजूदगी में बिक्री बहुत कम हो गई थी। वहां वो और उसकी मां सविता शिफ्ट लगाकर बैठते थे। वो उस दुकान को रोज लगभग 4 से 5 घंटे के लिए खुला रखते थे और बाकी वक्त बेटा वैन को टैक्सी की तरह चलाता। इसी बहाने उसे अलग अलग जगहों को देखने और घूमने की सुविधा भी आरंभ हो गई थी। थोड़ी बहुत आय भी होने लग पड़ी थी। फिर रामनारायण जैसे ही कुछ ठीक हुए वे अपनी दुकान पर फिर से बैठने लगे। वहां जाकर उन्हें अपनी कल्पना की दुनिया में विचरने की ज्यादा आजादी मिल गई। घर पर सविता की निगाहें उनका पीछा करती थी, इसलिए वे अपने काल्पनिक पात्रों से खुलकर बातचीत नहीं कर पाते थे। जैसे ही वे फिर से दुकान पर बैठने लगे वहां मौजूद किताबों ने उनकी कल्पनाओं को एक नया संसार प्रदान करना आरंभ कर दिया। लेकिन ये बात उनके सिवाय और किसी को पता नहीं थी कि जब भी वे ऐसी किसी किताब को पढ़ना शुरू करते उसके पात्र या लेखक उनके सामने जीवित होकर प्रकट हो जाते। वे उनसे बातें करते। इसका अनुमान लोगों को इसलिए नहीं होता था क्योंकि वे जिस जगह बैठते थे वो जगह एकदम सीधे ग्राहक को दिखाई नहीं देती थी, परंतु वहां से वे अपने ग्राहकों को अवश्य देख पाते थे। किसी ग्राहक के आ जाने पर वे अपने किताब के लेखक या पात्र से कहते, मैं भी आया, और फिर उस ग्राहक को निपटाकर फिर से उसके साथ बातें करने लग पड़ते। एक दिन उनकी पत्नी ने संयोग से ये सब देख लिया। उस दिन वो बिना कोई आवाज किए दुकान में प्रवेश करके उनके करीब जाकर खड़ी हो गई और ये देखकर अचंभित हो गई थी कि वे एक किताब को खोलकर बैठे थे और अपने आप से बातें किए जा रहे थे। उसे चिंता हुई कि कहीं उसके पति पागलपन की ओर तो नहीं बढ़ रहे थे। वो कुछ देर उन्हें उस दशा में देखती रही, फिर उन्हें धीरे से हाथ लगाकर हिलाते हुए पूछती है, किससे बातें हो रही हैं? रामनारायण ने किताब से आंख उठाई। तुम्हें दिखाई नहीं दिया, श्री अरविंदो बैठे हैं। पत्नी ने किताब को उलट पलट कर देखा। किताब के मुख पृष्ठ पर श्री अरविंदो का चित्र था। उसने समझदारी बरतते हुए उनसे पूछा, अच्छा, उन्होंने क्या कहा? रामनारायण कुछ देर अपनी पत्नी की ओर संशय के भाव से देखते रहे। वे ऐसी गहरी बातों को अपनी पत्नी से कैसे साझा करें, लेकिन फिर कोई और विकल्प ना दिखा। वे बता रहे थे कि बाहर की सरहदें सिर्फ इस बात का लक्षण हैं कि हम लोग अपने भीतर टुकड़ों में बटे हुए हैं। पहले सरहदें आदमी के अपने भीतर पैदा होती हैं, फिर वे बाहर की दुनिया के नक्शे पर खिंची दिखाई देने लगती हैं। समझी? पति के इस जवाब पर वो उस वक्त तो चुप सी लगा गई, लेकिन फिर बाद में कोई बहाना बनाकर उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले गई। साइकेट्रिस्ट ने उनके मन की स्थिति को डिल्यूजन का लक्षण माना।
कहा कि उनका मस्तिष्क कुछ ज्यादा ही कल्पनाशील हो गया था। उसे उसने पागलपन का पूर्व लक्षण कहा। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख दी और सलाह दी कि अगर वे सामाजिक कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे या अपने मित्रों के बीच ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो वे बड़ी जल्दी सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। नतीजतन उनके आजाद मंच वाले साथी मीटिंग्स के लिए उनकी दुकान पर गाहे बगाहे आकर बैठने लगे। अपनी इन संवाद सभाओं में रामनारायण अक्सर कोई ना कोई किताब उठा लाते और फिर बताते कि उनकी उस किताब के लेखक से क्या बातचीत चल रही है। ये आज की मीटिंग में हुआ। वे जिन्ना की किताब उठा लाए हैं, कह रहे हैं अभी जिन्ना आए थे, बहुत उदास थे। कह रहे थे उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जो जिद की थी वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वे इस बात से भी परेशान लगे कि इन दिनों उनकी टांगों के निचले हिस्से पर कुछ कीड़े आकर लग जाते हैं, वे उन्हें काट कर भाग निकलते हैं। अरे मैंने उनकी टांगों पर कीड़ों के काटने के निशान देखे हैं, एक दो जगह तो खून के धब्बे भी दिखाई दिए। अरे ठीक कह रहे हो रामनारायण, मैंने खुद जिन्ना के एक संस्मरण में उनकी ऐसी मनस्थिति के कुछ लक्षण देखे हैं। मजहब के नाम पर मुल्क बनाने की बात मध्यकालीन है, पर उन्होंने गलती की कि आधुनिक काल में इस तरह का मुल्क बनाने की सोची। उनकी टांगों को नहीं, पाकिस्तान को कीड़े खा रहे हैं। रामनारायण फिक्र में थे कि पाकिस्तान की तरह अब हिंदुस्तान भी वही गलती करने लग पड़ा है। तुम लोग देख लेना, एक दिन वही कीड़े हमारी टांगों को काटने के लिए भी दौड़ेंगे। बात वहीं खत्म हो जाती तो गनीमत थी, पर यह क्या हुआ। रामनारायण अपनी बात कहकर अचानक दुकान के अंदर चले गए। जब वे बाहर आते हैं तो वे बिल्कुल नई तरह के पहनावे में हैं। उन्होंने गांधी की तरह धोती पहन ली है, ऊपर केवल एक बनियान है, उस बनियान के नीचे छाती पर लटकने वाली एक घड़ी भी उनके मित्रों को दिखाई दे रही है। ये सारा सामान रामनारायण को कहां से मिला होगा ये सोचकर उनके मित्र ताज्जुब में हैं। रामनारायण के एक हाथ में गांधी की आत्मकथा है और दूसरे में एक डंडा है। कह रहे थे कि आज एक दफा फिर से उनकी हत्या हुई है। उन्होंने अपनी छाती पर गोलियों के निशान भी दिखाए। पहले वे 3 थे पर आज वे 6 हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, रामनारायण जब जब हिंदुस्तान का विभाजन होता है मेरे सीने पर 3 गोलियां दाग दी जाती हैं, पर मैं भी बहुत जिद्दी हूं, मैं हर तरह का विभाजन रद्द करना चाहता हूँ। मैं तब पाकिस्तान जाना चाहता था, नहीं जा सका। अब यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। बस बस मैं तैयार हो गया। मुझे आज ही बाघा बॉर्डर जाना होगा और पाकिस्तान में प्रवेश करना होगा। ये बात सुनकर उनके साथी पशुपेश में पड़ गए। रामनारायण को कैसे समझाएं, एक साथी सवाल उठाता है। अरे अगर वहां चले भी गए तो वहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी तैनात हैं, वो हमें जाने नहीं देंगे। अरे बहुत से लोग हैं जो ना फौजियों की परवाह करते हैं ना सरकार की। वे लोग कौन है पता भी है? वे लोग स्मगलर या आतंकवादी होते हैं। रामनारायण की आंखों से चिंगारियां झरने लगी हैं। जिसे तुम सरकार और उसके भाड़े के फौजी कहते हो वे कौन है? उनमें और स्मगलरों में बस इतना ही फर्क है कि उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए संविधान बना रखे हैं। अरे लोगों पर टैक्स लगाते हैं, हमारे धन से हथियार खरीदते हैं, कानून का सहारा लेकर जनता को लूटते हैं। उनकी ये लूटमार चलती रहे इसके लिए सरहदें बनाते हैं, पर अब मैं उनकी एक नहीं चलने दूंगा। रामनारायण की जिद का क्या किया जाए। वे एक योजना बनाते हैं। उन्हें उनकी वैन में बिठाकर वे उनके बेटे को साथ लेकर सरहद की ओर चल देते हैं। वहां तैनात फौजियों को रामनारायण के बारे में अलग से बता दिया जाता है कि यह आदमी थोड़ा पागल हो गया है, इसे समझा बुझाकर वापस कर दो। फौजी रामनारायण के साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं। अरे गांधी बाबा आए हैं, जय गांधी बाबा की। मेरी जय नहीं, हिंदुस्तान की जय बोलो। सरहद को खोल दो, हमारा हिंदुस्तान इधर भी है और उधर भी है। चलो खोलो इसे। फौजी अफसर अदब से सिर झुकाता है। गांधी बाबा हम आपकी बात जरूर मानते पर हम हुकुम के पाबंद हैं। आप भारत सरकार के पास जाइए ना, आपकी बात कौन टाल सकता है भला। वहां से हुक्म लेकर आइए, हम सरहद खोल देंगे। हैं?
क्यों भाई? रामनारायण जाते हैं और बेटे से कहते हैं, गाड़ी वापस घुमा लो। सब राहत का अनुभव कर रहे हैं, परंतु वे अभी थोड़ी ही दूर गए हैं कि मुख्य सड़क से दाहिनी ओर जो एक छोटी सी ऊबड़ खाबड़ सड़क निकलती नजर आती है, वे उसके करीब अपनी वैन को रुकवा देते हैं। ए, गाड़ी इधर ले लो। इधर क्या है? तुम चलो तो सही, मैं बताता हूं। गाड़ी उस अनजान सड़क पर मुड़ गई है। वो सरहद के समांतर चलती हुई किसी गांव की दिशा में निकल पड़ी है। कुछ दूर आगे एक खुला मैदान है। एक तरफ किसी गांव को जाने के लिए सड़क मुड़ रही है और दूसरी तरफ सरहद को अलहदा करने वाली कांटेदार बाड़ है। रामनारायण ने गाड़ी को वहां रुकवा दिया है। वे अब पैदल ही कांटेदार बाड़ की ओर जा रहे हैं। डैड, उधर खतरा हो सकता है। अरे, कई दफा सरहद के आसपास घूमते हुए लोगों को उधर पेट्रोलिंग पर निकले रेंजर जानबूझकर निशाना बना देते हैं। रामनारायण अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए इशारा कर रहे हैं। वे सामने की ओर देखते हुए जमीन पर झुक गए हैं। नीचे आओ, वो देखो, उस मैदान पर किसी पशु के खुरों के चलने के निशान हैं। वे गांव की ओर उगी हुई झाड़ियों के भीतर से इस ओर आते हुए प्रतीत हो रहे हैं और आगे वे सीधे कांटेदार बाड़ की ओर चले गए हैं। उन्हें उस गांव की दिशा से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है। वो उन लोगों को पशु के निशान देखता हुआ पाकर वहां रुक जाता है। हमारी बकरी खो गई है। क्या ये आपकी बकरी के खुरों के निशान है? रामनारायण का बेटा पूछ रहा है। नहीं, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये निशान दिख रहे हैं। कुछ बुजुर्ग लोगों का कहना है कि ये किसी बाघ के पंजों के निशान हैं, पर ये तो उधर कांटेदार बाड़ की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इसी से अंदाजा लगा है। अब इतनी ऊंची बाड़ को कूदकर केवल बाघ ही इधर से उधर जा सकता है। हो सकता है हमारी बकरी को वही उठा के ले गया हो। ये बात सुनकर रामनारायण अचानक खिल उठते हैं। वे उसके पैरों के निशान के पास जाकर उसे बड़े ध्यान से उसका मुआयना करने लगते हैं। बेटे को अटपटा लग रहा है। अरे, यहां कुछ नहीं है, चलिए उठिए, घर चलते हैं। नहीं, मुझे सब समझ में आ रहा है। इस बात से मेरी जिंदगी का गहरा रिश्ता है। जब मेरे दिमाग का ऑपरेशन हुआ था तो मेरे दिमाग से ट्यूमर नहीं, बाघ की आंख निकली थी। उनके बेटे को वो सब याद आ जाता है। डॉक्टर ने उन्हें एक शीशे के जार में पानी में तैरता हुआ उनका ट्यूमर दिखाया था। वाकई किसी बाघ की आंख जैसा था। रामनारायण बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। वो बाघ बरसों मेरे दिमाग में कैद रहा। वो मेरे दिमाग को दो हिस्सों में तोड़कर रख देना चाहता था। मैंने उसे निकलवा दिया, उसकी साजिश नाकाम हो गई, पर मेरे ऑपरेशन के बाद वो आजाद हो गया। उसे सरहद पर रहना पसंद है। पहले वो मेरे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से के बीच की सरहद पर रहता था, अब वो यहां आ गया है, इस बाघा बॉर्डर पर। अब इसने वही काम यहां करना शुरू कर दिया है। ये दोनों मुल्कों की सरहदों का रखवाला हो गया है। मुझे उसे खोजना है। रामनारायण उठकर उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए सरहद की ओर जा रहे हैं। सब परेशान हो उठे। बेटे ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया है। मैं आपको उधर नहीं जाने दूंगा। वहां कोई बाघ नहीं है, वो जा चुका है। और अगर वो मिल भी गया तो क्या करेंगे? हाँ, वहां पर हमला नहीं कर देगा? जैसे बात समझ में आ गई हो, रामनारायण सोच में पड़ गए हैं। फिर जैसे कुछ याद हो आया हो, वे मुड़कर सीधे उस ग्रामीण की ओर चले आए हैं। वो इस वक्त अपने सिर पर ढीली पड़ गई छोटे आकार की गमछानुमा पगड़ी को दोबारा बांध रहा है। तुम्हारी बकरी की पिछली टांग पर चोट लगी थी ना? ना, अभी तो नहीं, पर परसाल जब वो छोटी थी तब एक बेरी के पत्ते खाने को कुछ ज्यादा ऊपर उछल गई थी तो गिर गई थी। एक पत्थर की नोक उसकी टांग में चुभ गई थी। देखा, मेरी बकरी को भी चोट लगी थी,
वो बाघ मेरी बकरी के पीछे पड़ा है, गलती से इसकी बकरी को उठाकर ले गया है। राम नारायण के साथियों को गांधी फिल्म का वो दृश्य याद आ रहा है जिसमें गांधी गंभीर राजनीतिक चर्चा करते हुए साथ साथ अपनी बकरी की टांग पर मरहम पट्टी कर रहे हैं। राम नारायण अब उधर आसपास की जमीन पर ध्यान पूर्वक जाने क्या खोजने लगे हैं, पर फिर जल्द ही वे निराश से हो जाते हैं। उस बकरी के खुरों के निशान नहीं मिल रहे, हो सकता है वो बचकर भाग गई हो। मुझे लगता है वो जरूर लौट आएगी, वो अपने डर पर काबू पा लेगी और लौट आएगी। हाँ देखो मेरे भाई, हौसला रखो, अगर तुम्हारी बकरी वापस आ जाए तो मुझे बताना, मैं फिर यहीं आऊंगा। खैर इसके बाद वो किस्सा वहीं खत्म हो गया। रामनारायण को सही सलामत अपने साथ लेकर वो जत्था अंत भला तो सब भला कहता हुआ लौट आया। यूं तो वो सारा प्रकरण हंसी में टाल देने लायक था, पर वो बात देखते देखते जाने कैसे एक से एक अफवाहों की शक्ल लेने लग पड़ी। अफवाहों में लोगों की वैसे भी बड़ी दिलचस्पी रहती है, इसमें एक अजीब सा बतरस होता है। ये इतनी कल्पनापूर्ण वस्तु होती है कि इसमें हर आदमी अपनी ओर से एक नई कहानी जोड़ने का लुत्फ उठाने लग पड़ता है। तो अफवाहों के इस सिलसिले की शुरुआत तब हुई जब कुछ लोग ये कहते पाए गए, भैया राम नारायण गांधी बाबा के नए अवतार हैं। सही कह रहे हो भैया, वे सरहद के उस पार जाना चाहते थे, उन्हें तो फौजियों ने रोक लिया, इसलिए अब वो कोई चमत्कार कर रहे हैं। इस बात को विश्वसनीय मानते हुए कुछ लोग ये कहते दिखाई दिए, भैया उनके दिमाग से सचमुच एक बाघ निकला है, वो उनकी बकरियों को उठाकर सरहद की बाड़ के ऊपर से जब चाहे इधर से उधर निकल जाता है। हाँ इससे परेशान होकर गांव वाले अब खुद सरहद पार करके उस बाघ को पकड़कर मारने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोग इससे भी आगे निकल गए, उनका तो कुछ और ही कहना था, भैया वो दुर्गा का सिंह है जो भारत माता के पोस्टर पर हमेशा उनके साथ खड़ा नजर आता है। उनकी नजर में वो सरहद पार के लोगों को डराने के लिए वहां जाता है, पर क्योंकि वो अहिंसक नहीं है इसलिए वो गांधी की बकरी को खा जाता है। ऐसे शक्ति पूजक लोग उन गांव वालों को देशद्रोही तक कह रहे हैं जो इस राष्ट्रवादी बाघ को मारना चाहते हैं। अब राम नारायण के बेटे के पास लोगों के फोन आने लगे हैं, वे बाघा बॉर्डर के बाघ के निशानों वाले जगह पर जाना चाहते हैं। देखते देखते राम नारायण के बेटे की टैक्सी पूरे शहर में मशहूर हो गई है, वो जगह भी बाघा के बाघ के नाम से जानी जाने लगी है, उसे एक छोटे मोटे दर्शनीय स्थल होने का गौरव भी मिल गया है। राम नारायण बकरी बाबा बन गए हैं। बकरी बाबा साथ होते हैं तो उनके बेटे की टैक्सी में बैठने वाले टूरिस्ट दुगना भाड़ा तक देने लगे हैं। एक कलाकार ने बाघ के पंजों वाली जगह पर उसी आकार की प्लास्टर ऑफ पेरिस की कलाकृतियां सी बनाकर करीने से थोड़ी थोड़ी दूरी पर रोप दी हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने बकरी के उन खुर चिन्हों को भी पता नहीं कैसे खोज निकाला है जो कभी वहां थे ही नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नीचे दफन इन चिन्हों ने लोगों के आपसी मतभेदों की आग को धधकाना आरंभ कर दिया है। ये कुछ दिन बाद की बात है। सविता अपनी छात्राओं को उसी दर्शनीय स्थल पर लेकर जा रही है। स्कूल बस में बकरी बाबा भी उनके साथ हो लिए हैं। बस से उतरती छात्राओं का उत्साह देखकर उनके भीतर भी एक बच्चा जाग उठा है। वे बच्चियों को हंसाने की कोशिश में हो हो करते हुए सरहद की बाड़ की ओर चल दिए हैं। तभी उन्हें वहां दूर कुछ दिखाई दे गया है। वे उसे ठीक से देखने के लिए निकट पड़ी एक चट्टान पर कूदकर चढ़ गए। कुछ लड़कियां भी उनकी देखा देखी वहीं ऊपर जा चढ़ी। वे उन्हें उस दिशा में इशारा करते हुए पूछते हैं, क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी है, लाठी पकड़कर हवा में घुमा रहा है। और क्या है? और कुछ झाड़ियां हैं, एक बड़ा सा पेड़ है, और एक बाघ है। नहीं, बाघ इतना छोटा नहीं होता। हाँ तो क्या है? अरे पहचाना नहीं, बकरी है, मेरी बकरी, वो वहां है। अरे हाँ, वहां तो और भी बकरियां हैं।
हाँ हाँ वे उधर पीछे से आती जा रही हैं। वे इधर ही आ रही हैं। चलो चलो उन्हें बुलाते हैं। वे सब उछल उछल कर बाहें हवा में लहरा कर बकरियों को नजदीक आने का संकेत दे रहे हैं। सरहद पार के गड़रिये ने दूर से सब देख लिया है, अब तो वो खुद ही चला आ रहा है। उसके साथ उसकी बकरियां भी आ रही हैं। सविता को ये सब पसंद नहीं आ रहा, वो उन्हें रोकती है। अरे ये क्या बचपना है, राम नारायण जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। छात्राएं भी उस चट्टान के आसपास इकट्ठी हो गई हैं और तालियां पीट रही हैं। देखो देखो, बकरियों को सरहद की बाढ़ की परवाह नहीं है, वे कटीले तारों के बीच से रास्ता बना रही हैं। इधर के घास के हरे भरे मैदान उन्हें भाग गए हैं, वे अपने गड़रिये के एक नहीं सुन रही हैं। ये बात कहते हुए वे अचानक लंबी छलांग मारते हुए चट्टान से नीचे कूद जाते हैं और अब वे सरहद की ओर बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं, जैसे एक बकरी सरहद की ओर भागी जा रही है। लड़कियां उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। बकरियों के रेवड़ सरहद के इधर भी हैं उधर भी हैं। उन सब के पीछे है सविता, वो चीख रही है, रुक जाओ आगे खतरा है। वे सरहद की बाढ़ से कुछ पहले रुक गए हैं। इस दफा वहां कोई बाघ नहीं आया है जो सरहद पार कर सके। गड़रिये ने भी अपनी बकरियों को उधर ही रोक लिया है, पर इधर से उधर और उधर से इधर की आवाजाही तो बढ़ गई है। रामनारायण ने इधर उगी घास को हाथों से ही छील छील कर एक गट्ठर सा बना लिया है। गट्ठर को एक लंबी घास की रस्सी से बांध लिया गया है। लड़कियां उनकी मदद कर रही हैं। फिर वे पूरी ताकत से उछाल कर उस गट्ठर को कांटेदार बाढ़ के उस पार फेंक देते हैं। बकरियों का कोई मुल्क नहीं है, वे दोनों मुल्कों की हैं। बकरियों का कोई मुल्क नहीं है, वे दोनों मुल्कों की हैं। बाघा बॉर्डर टूट गया लगता है। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की आवाज में विनोद शाही की कहानी बाघा बॉर्डर। ये कहानी हंस पत्रिका के जुलाई 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindimagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Raw and Organic, Kunal is joined by his close friend, national football player and fitness trainer, Jyoti Ann Barre. They catch up on their training sessions, the life of an athlete, and a whole lot more. On Cyrus is in conversation with Ashish Singhal, founder and CEO of CoinSwitch, to discuss CoinSwitch Kuber's journey, investing, and the cryptocurrency bill of 2021. On the Life Manifesto, Zarina decodes the Great Resignation. Let's find out why more people across the world are willing to quit their jobs. On All Things Policy, the Takshashila folks discuss the potential effects of climate change on food. And on Say No to Drama, Chetna drops some truth bombs on happiness. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, do remember that many of our shows are available on YouTube. You can check that out by going to our website, ivmpodcast.com/YouTube, where we have a list of all of our various YouTube channels. Finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.